सारे एलियन आपको नजर आ रहे होंगे। अब देख लीजिए हालात कैसा है। मैं तो साइकिल से आया हूँ लेकिन साइकिल को पीछे ही लगा दिया हूँ। दस मिनट के अंदर मौसम बदल गया, धूप भी है और बारिश भी है। इसमें जो पानी है अभी मैंने पहाड़ से भरा है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा हो चुका है डे 160 और यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बुरा हाल है। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो कोशिश करें अपने साथ पैसे लाएं, रूम लें। हम लोग को देखिए यहाँ पे सामान को पैक करा दिए हैं और लॉकर रूम में रखेंगे और एक बैग में जो कि ज़रूरी सामान है वो लेकर चलेंगे। यहाँ पे लॉकर रूम है, आप कर सकते हैं। और 100 रुपये लग रहा है, कितना लग रहा है? 100 रुपये एक बैग का 100 रुपये लगता है, तो इतना तो लगेगा। तो मेरा ये कहना, तो देखिए ये ट्रैकिंग है, देख सकते हैं। तो जल्दी ट्राई करते हैं, चलते हैं, हर हर महादेव। और हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। साइकिल को हमने पार्क कर दिया था सोन प्रयाग, रात में वहाँ पर टेंट लगाया था और गौरी कुंड में स्नान करके मैं तो बर्फ वाला ठंडा पानी में स्नान कर लिया इस नदी में। और इसके बाद हम लोग यहाँ से अपना ट्रैकिंग को शुरू कर रहे हैं। अभी मौसम धूप है, कुछ देर पहले आपने देखा था बारिश था, पता नहीं कब ठंड हो जाए। यहाँ का मौसम का कुछ ठीक नहीं है, इसलिए देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगेज लेके चल रहे हैं। इसमें स्लीपिंग बैग सब कुछ है क्योंकि यहाँ पे मौसम पल पल बदलते रहता है। मैंने तो सोचा था कि बिना सामान का चलूँगा लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि पूरा सामान आपको लेकर ही चलना पड़ेगा। तो हर हर महादेव, चलिए गौरी कुंड से ट्रैकिंग अपना शुरू करते हैं। देख सकते हैं ट्रैकिंग में कितना ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस समय आए हैं। कितना ज़्यादा भीड़ है मैंने आपको दिखाया नहीं, इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। अगर आपको आना है तो आराम से आइए, जब पट खुलता है उस समय आकर के दर्शन करना बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा भीड़ है कि आपका एक बोतल पानी का पता नहीं 100 रुपये मिलेगा, कितना में मिलेगा कोई पता नहीं। और इधर इस तरह का सीन है, तो ये गौरी कुंड का सीन है। अभी गौरी कुंड को पार करते हैं किसी भी तरीका से, फिर आगे ट्रैकिंग होगा। और हालांकि यहाँ पे कुछ लोग साइकिल लेकर के आना चाहते हैं, कुछ लोग जाते भी हैं। अब देख लीजिए हालात कैसा है। मैं तो साइकिल से आया हूँ लेकिन साइकिल को पीछे ही लगा दिया हूँ। इधर देखिए हालात, उसके बाद आप बताइए। तो भाई बस यही कहना चाहूँगा, कम से कम सामान लेकर के चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ पैसे साथ में लाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हम घोड़ा वाला मार्केट को पार कर रहे हैं, जहाँ पे घोड़ा पे बैठ करके अपना सवारी शुरू करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ है, अभी मौसम साफ था, मतलब धूप था और जस्ट 10 मिनट के अंदर मौसम बदल गया। तो केदारनाथ ट्रैक का और केदारनाथ में यही होता है, तो आप आएँ तो बी केयरफुल, अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़ा और ये सब रखें, क्योंकि अभी देखिए अभी तुरंत बारिश हो रहा है। मैं भी जल्दी रेनकोट पहनता हूँ कि बारिश को झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हर हर महादेव। ये देखिए आ गया बारिश, ऊपर देखिए काला बादल आ गया, पानी ज़ोर से बरसने वाला है। यहाँ पे बारिश, धूप और ठंड एक ही बार में आ जाता है, पानी टपकने भी लगा, जल्दी हमको पहनना होगा। ये चीज़ ना आपको केदारनाथ में ही देखने के लिए मिल सकता है। अभी बारिश हो रहा है, ऊपर से धूप भी है, देख सकते हैं धूप भी है और बारिश भी है। कड़ा धूप है, ऊपर से बारिश आ रहा है। तो ये है केदारनाथ का स्पेशलिटी। उधर देखिए और उधर देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, गजब।
बाकी यही सब सीन पूरा ट्रैक में है और जगह जगह पे इस तरह से घोड़ा आता है, घोड़ा पे सामान लगा हुआ रहता है, आपको कई बार टक्कर खाना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर ले, घोड़ा आपको टक्कर मारेगा ही मारेगा। और घोड़ों का चार्ज यहाँ पे लगभग हमारा ब्लॉग चैनल लगभग 3500 से 4000 रुपया सिर्फ आधा दूर ले जाने का होता है, उसके बाद फिर वहाँ से आधा दूर छोड़ने के बाद फिर लेगा आपसे कुछ चार्ज, उसके बाद मंदिर तक नहीं कुछ दूरी तक पहुँचाएगा। और रेट में चेंजेज होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है घोड़े का। गजब है, यहाँ पे जगह जगह पे बहुत दूर दूर पे आपको इस तरह का एक छोटा सा शटर मिलेगा जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और 20 रुपया का सामान 40 रुपया मिलेगा, 40 का सामान 80 में मिलेगा, यहाँ पे डबल रेट में मिलता है। और पानी का बोतल तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि देख ही सकते हैं सब घोड़ों पर लाद लाद के लाया जाता है। तो हर हर महादेव ज़रूर से लिखना इस वाले वीडियो में, क्योंकि ये ट्रैकिंग का वीडियो है, बहुत मुश्किल और सफ़र है ये। हौसला बढ़ाएं दोस्तों, हर हर महादेव लिखे, आप भी सफ़र ज़रूर करें केदारनाथ का। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है जिस वजह से बहुत ज़्यादा वजन भी होता है चढ़ने में। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ और इसको भी ढक लेते हैं, और इसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश आ गया है, कैमरा को सेव करना है। दोस्तों गर्मी का दिन मैं याद कर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, अभी गर्मी के दिन को महसूस करके अब ठंडा के दिन को महसूस कर रहा हूँ। और ये देखें मेरे हाथ में ये जो बोतल देख रहे हैं ना, ये बिसलेरी का सिर्फ बोतल है, इसमें जो पानी है अभी मैंने पहाड़ से भरा है, फ्रिज से भी ठंडा पानी है और बहुत ज़्यादा ठंड है, मज़ा आ रहा है। इधर देखिए मौसम, देखिए ये देखिए बादल आ गया नज़दीक में, बादल बादल आ गया पहाड़ी पे, इतना ग्रीन ग्रीन। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ ट्रैकिंग में अपना अलग आनंद है, थोड़ा दर्द है, मेरा दोनों कंधा तो फूल जाएगा बैग के वजन से आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सामान लेकर के जा रहे हैं वो ऊपर में बहुत काम देने वाला है, क्योंकि रात में 0 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ चला जाता है शायद, और शायद क्या जाता ही है जो लोग आए वो बता रहे हैं। और खाने के लिए और ये सब चीज़ मैं ऊपर से लाया हूँ, यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, एक खीरा 30 रुपये का 40 रुपये का मिल रहा है, और ये चीज़ कुछ रास्ते ही मिल गया था। तो हम लोग यहाँ पे एक भाई और हैं, इधर चेहरा दिखा दीजिए, देखिए पहाड़ी बने हुए हैं, किस तरह से बैग को इस तरह से पैक करके और लोड करके चलना पड़ता, तो वजन का मतलब भार कम लगेगा, कंधा में भार कम लगेगा, सर में लगेगा थोड़ा, इसीलिए ऐसे करके चल रहे हैं। देखते देखते मौसम फिर बिगड़ने लगा है, ठंड तो बढ़ चुका है और बारिश भी फिर सुनो होने वाला है, लगता है मुझे भी फिर से पैकिंग करना होगा। तो करते हैं, चलते हैं आगे, हर हर महादेव। और कुछ सीन देखिए इधर का, और ये लोग हैं डोली वाले, डोली में ले जाते हैं। तो भैया कितना रेट लेते हैं लगभग? गौरीकुंड से 7000। 7000 कितना वजन के अनुसार? और देख के। अच्छा अच्छा, देख करके ना, तो समझ सकते हैं इन लोगों का मेहनत भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग का एक बैग नहीं लिया जाता है, ये लोग आदमी को बैठा के ले जाते हैं। तो ये होते हैं आप लोग पहाड़ी है ना, इसलिए ये लोग इतना मेहनत कर पाते हैं। नेपाल का है, नेपाल का है ना। तो कुछ नहीं भाई, बस कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, बस हर हर महादेव। यहाँ से सीन देखिए, सारे एलियन आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए लग रहा है जैसे ये एलियन चल रहा है सर। उधर देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाना बहुत ज़रूरी है, इधर देखिए कितना मुश्किल चढ़ाई को यार, ऐसा ठंड है कि क्या रिकॉर्ड करके आपको बताएं। वाह, बारिश भी होने लगा, तेज बारिश हो गया है, तेज। तो जल्दी से टोपा पहनते हैं यार, यहाँ नहीं अभी सुसू करने का जगह है, नहीं गरम चाय पीने का जगह मिल रहा है, इतना श्रद्धालु इस समय आए हुए हैं। आप आएँ तो जिस समय देखे आराम से, जिस समय रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा उसी समय आए, बस यही कहना चाहूँगा। बर्फ़ नहीं मिलेगा
वो ठंड के मौसम में मिलता है, बर्फ तो दूर में होता है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि गर्मी में आते आते बर्फ मिलेगा डायरेक्ट, नहीं, आपको नीचे से ही आप ठंडा हो जाएंगे, तो बर्फ आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगने वाला है। तो हर हर महादेव। 10 बजे चला था और अभी समय हो चुका है, कितना हुआ है समय, 4:30 हो चुका है। अब 10 किलोमीटर के आसपास में और बचा है, तो समझ सकते हैं। हाँ, देखो केदारनाथ में आ गया और ये ग्लेशियर पूरा, और थोड़ा इसको खा भी सकते हैं, जो चीज़ का जरूरत तो मिल गया। अंदर से खाना है, ऊपर से गंदा पूरा। दोस्तों लेकिन मज़ा भी आ रहा है, ये देखिए ये है ग्लेशियर, मिट्टी की वजह से जम चुका है, और इधर देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है, और हम तो जा ही रहे हैं बर्फ केदारनाथ महादेव के पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों तो मैं केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच गया हूं और रात में रुक गया हूं, अभी मैं दूसरे जगह पे आ चुका हूँ, उस समय वीडियो को एंड नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा मैं थक गया था और इतना ज़्यादा ठंड था कि मैंने कैंपिंग टेंट लगाया, लेकिन जो भी सामान मैं ले गया था सब वेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा ठंड था, -1 डिग्री था, इस वजह से वीडियो को एंड नहीं कर पाया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जाते हैं तो खाली हाथ पैदल यात्रा करते हैं तो खाली हाथ करें, यात्रा का आनंद मिलेगा। अगर आप कोशिश करते हैं टेंट वेंट ले जाने का तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आपका टेंट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, कंबल वगैरह इतना आप लेके कैरी करके नहीं जा सकते। तो वहाँ पे टेंट मिलता है, वो कल के वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा सारा डिटेल, कैसे कैंप मिलता है, क्या होता है। तो आज के फिलहाल ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।